दोस्तों स्पाइस जेट की ये दूसरी वैकेंसी है जिसके रिगार्डिंग अपडेट मैं एक ही दिन में लेकर आ रहा हूं। दोस्तों अगर आपने पहले वीडियो को अब तक देखा नहीं है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक मैंने डाल रखा है, जाकर जरूर देखें। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताना चाह रहा हूं। दोस्तों आप ये वीडियो देख रहे हैं क्योंकि आपको जॉब की रिक्वायरमेंट है और डेफिनेटली मैं जॉब का अपडेट दे रहा हूं, तो आप इस वीडियो को देखेंगे, समझेंगे और उसके अकॉर्डिंग आप अप्लाई करेंगे। तो दोस्तों मुझे फाइनली एक ऐप मिला है और मैं खुद इस ऐप को रेकमेंड करता हूं। इस ऐप का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक पे क्लिक कीजिए, उस ऐप को इंस्टॉल कीजिए और फिर आपके प्रोफाइल के अकॉर्डिंग आपको रिकमेंडेशन मिलेंगे। उसके अलावा आप अपने साइड से भी चेक कर सकते हैं कि किस तरह की जॉब, किस तरह की वैकेंसी और कहां पे किस तरह की अपॉर्चुनिटी है। यहां पर एक बात आपको बताना चाहूंगा, अगर कोई कुछ भी पैसे मांगता है, रजिस्ट्रेशन 100 रुपये, 50 रुपये, 200, 250, 1200, 1400, 1500, 2000, 2000, वो एक्सट्रीमली फेक है। कहीं भी किसी पैसे की मांग नहीं होती है, कुछ भी पैसा नहीं लिया जाता है। तो दोस्तों विदाउट एनी डिले वीडियो को देखने के बाद जाइए मेरे डिस्क्रिप्शन पे और वहां जाकर लिंक को क्लिक करके डाउनलोड कीजिए। कोई दिक्कत परेशानी होगी तो मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं आपको गाइड जरूर करूंगा। अगर आपका सपना एयरलाइन एयरपोर्ट में जॉब पाने का होगा और अगर आपने इस वीडियो को सही तरीके से देखा और उसके अकॉर्डिंग जैसा मैंने बताया है वैसा अगर आपने एक्ट किया, तो इस बात की संभावना बहुत बढ़ जाती है कि आपको एयरलाइन में और खासतौर से स्पाइस जेट में जॉब पाने की अपॉर्चुनिटी मिल जाए। दोस्तों एक बात कहना चाहूंगा, अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं और एयरलाइन एयरपोर्ट में जॉब पाना आपके लिए ड्रीम जॉब है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल में ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों शायद ही कोई ऐसी वैकेंसी है जो कि मैं मिस करता हूं। डेली बेसिस पे आपके लिए ढेर सारे वीडियोस लेकर आता हूं, ढेर सारी वैकेंसी का अपडेट लेकर आता हूं। सो फ्रेंड्स लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो फ्रेंड्स स्पाइस जेट इंटरव्यू कंडक्ट कर रही है, वॉक इन इंटरव्यू, फ्रेशर्स भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये जो पोजीशन है दोस्तों ये है ट्रेनी सिक्योरिटी एग्जीक्यूटिव या फिर कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव, जो कि ग्राउंड स्टाफ के लिए आएगा और ये आपको आएगा गोवा एयरपोर्ट के लिए। दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले जो सिक्योरिटी वर्टिकल है, जो सिक्योरिटी डिपार्टमेंट है उसके बारे में। दोस्तों इसमें जो आपको एक्सपीरियंस चाहिए वो आपको 0 to 3 years, यानी कि फ्रेशर्स कैन ऑल्सो अप्लाई। तो अगर आपकी एज 18 to 27 years है और आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो दोस्तों ग्रेजुएट या फिर फाइनल ईयर या फिर 6th semester या फिर जिनका रिजल्ट अवेटेड कैंडिडेट्स हैं वो लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको जॉब डिस्क्रिप्शन जानना जरूरी है, क्योंकि अगर आप जाएंगे इंटरव्यू के लिए तो आपको इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। तो दोस्तों BCS द्वारा यानी ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी और एयरलाइन के इंटरनल प्रोसेस द्वारा, एयरलाइन मैनेजमेंट द्वारा सिक्योरिटी से रिलेटेड जो भी आपको ड्यूटीज दी जाती है वो आपको परफॉर्म करना होगा, जिसमें आपको स्क्रीनिंग, फ्रिस्किंग, ओवरऑल सिक्योरिटी एंड सेफ्टी ऑफ द पैसेंजर एंड देयर बैगेज आ जाता है। यहां एक बात ध्यान देने की है कि वो कैंडिडेट्स जिनके पास वैलिड एप्सिक या फिर स्क्रीनर का लाइसेंस होगा उन्हें प्रेफरेंस इसमें मिलेगा। रिक्वायर्ड स्किल्स में इंग्लिश स्पीकिंग मैंडेटरी है, एक्सलेंट कम्युनिकेशन स्किल आपके पास होनी चाहिए, डायनेमिक आप होने चाहिए, किसी भी चैलेंजिंग सिचुएशन में इन्वायरमेंट में काम कर सकें, 24/7 काम कर सकें, मॉर्निंग आफ्टरनून नाइट किसी भी शिफ्ट में काम कर सकें, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। अब दोस्तों बात करते हैं हम जॉब टाइटल कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव या फिर सीनियर कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव की। इसमें जो आपका डिपार्टमेंट है ये एयरपोर्ट सर्विसेज होगा और दोस्तों ये जो लोकेशन है ये अहमदाबाद के लिए है। दोस्तों इसमें एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए 0 to 3 years, यानी कि फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं और आपकी एज इसमें होनी चाहिए 18 to 27 years। इसके अलावा क्वालिफिकेशन की बात करें, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो ग्रेजुएट, फाइनल ईयर, रिजल्ट अवेटेड कैंडिडेट जो लोग हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। जॉब डिस्क्रिप्शन में क्योंकि ये कस्टमर सर्विस का जॉब है इसलिए पैसेंजर हैंडलिंग, एक्सटेंसिव कम्युनिकेशन विद द पैसेंजर्स, कस्टमर्स चाहे वो एयरपोर्ट पे हो, उनके बुकिंग, रिजर्वेशन, टिकटिंग हैंडलिंग उनको करना होगा, कंप्लेन जो हैंडलिंग होगी वो करना होगा। अगर आप BE, BTEC, CPL होल्डर, AME क्वालिफाइड कैंडिडेट हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं। अगर आप इन सारी चीज़ों के अकॉर्डिंग खुद को पाते हैं कि यस यू आर एलिजिबल, तो दोस्तों आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स के साथ सबसे पहले जो आपका होना चाहिए अपडेटेड रिज्यूम, 10th, 12th ग्रेजुएशन के सर्टिफिकेट, मार्कशीट, ग्रेजुएशन के सर्टिफिकेट मार्क्सिस आप ऑल सेमेस्टर के ले लेंगे, दैट विल बी मच बेटर। वैलिड ID प्रूफ में पैन, आधार और पासपोर्ट होना चाहिए। अगर आप एक्सपीरियंस्ड हैं यानी कि आपने पहले कहीं से काम कर रखा है, आपके पास ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, तो ऑफर लेटर, अपॉइंटमेंट लेटर, प्रमोशन लेटर, एक्सपीरियंस लेटर आपको ज़रूरी है। इसके अलावा 3 months की सैलरी स्लिप भी चाहिए एक्सपीरियंस्ड पीपल के लिए। लोड एंड ट्रिम या फिर एप्सेक स्क्रीनर अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट है पहले से तो आपको प्रिफरेंस मिलेगा। तो दोस्तों ये सारा डॉक्यूमेंट लेकर और बिल्कुल वेल अटायर में
आप पहुंच जाइए जो वेन्यू अब मैं बता रहा हूं। तो दोस्तों 24 फरवरी को जो वेन्यू है ये है फ्लोरा ग्रैंड। अभी जो आप डिटेल देख पा रहे हैं गोवा में आपको यहाँ जाकर इंटरव्यू देना है। टाइमिंग इसका दोस्तों अगर बात करें तो टाइमिंग दोस्तों सुबह के 10 से 12 यानी कि 10 to 12 नून इसका है। कोई डाउट होगा तो वीडियो कमेंट में कमेंट कीजिएगा या फिर मेरे इंस्टाग्राम चैनल फ्लायर इंडिया पे मुझे मैसेज कीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो, आपको ये डिटेल अच्छा लगा होगा। अगर मेरे कंटेंट्स, मेरा चैनल आपके काम का है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल में ऑल पे जरूर क्लिक कर लीजिएगा। मेरे कंटेंट्स को शेयर कीजिए, बाकी लोगों की हेल्प कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।